हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनफ्लोरेसेंस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने वेनेशन एंड फाइलोटैक्सी को डिस्कस किया है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनफ्लोरेसेंस। अभी इनफ्लोरेसेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्चुअली जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि अरेंजमेंट ऑफ वेंस और वेनलेट्स ऑन लीफ लेमिना इज नोन एज वेनेशन, देन अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांचेज और स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी। जस्ट उसी तरह स्टूडेंट्स, फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पर क्या कहलाता है? इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। इज इट क्लियर? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज इनफ्लोरेसेंस। ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू द फ्लोरल मेरिस्टेम। मीन्स जो हमारा सूट मेरिस्टेम होता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्लोरल मेरिस्टेम में। और इंटर्न नोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। मीन्स जब इंटर्न नोड्स स्टूडेंट्स इलोंगेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वो सारे पोर्शन? अगर सपोज करिए, चलिए एक डायग्राम के थ्रू हमें इसे समझ स्टूडेंट्स चलिए इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कलर ले रही हूँ, चूज कर रही हूँ। एक प्लांट है जिसका कि मैं ये नोड्स और इंटर नोड्स को ड्रॉ कर रही हूँ। अब सपोज करिए कि दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, जिससे कि प्लांट की लेंथ बढ़ रही है। और अब क्या हो रहा है? ये डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रही, जिसकी वजह से क्या होगा? जो नोड्स हैं वो काफ़ी नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो यही बात कह रहा है, द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब ये जितने भी, जैसे कि मैंने बताया कि जब ये नोड्स, इंटर नोड्स डू नॉट इलोंगेट, इंटर नोड्स इलोंगेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये अब क्या कर रहे हैं कि लीव्स को प्रोड्यूस करने की जगह पे ये सक्सेसिव नोड्स पर फ्लावर को, फ्लोरल अपेंडिजेस को क्या कर रहे हैं? ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने देख लिया कि कैसे फ्लावर का प्रोडक्शन हो रहा है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज इनफ्लोरेसेंस। मैंने भी पहले भी आपसे बताया है कि जैसे फाइलोटैक्सी और वेनेशन का डेफिनेशन मैंने बताया था कि अरेंजमेंट कोई हमने स्टार्टिंग में किया था कि कैसे अरेंजमेंट होता है लीफ लेमिना पर वेंस और वेनलेट्स का, उसी तरह सेम अब इन फ्लावर का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है फ्लोरल एक्सिस पर, इसी को क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, जो कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज इनफ्लोरेसेंस। और ये इनफ्लोरेसेंस स्टूडेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, जैसा कि मैंने नीचे मेंशन किया है। इनफ्लोरेसेंस आर ऑफ टू टाइप्स, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस एंड साइमोज इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है? द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, द फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेसन। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखिए तो ये क्या है? ये रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस का ये डायग्राम, ये रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस शो कर रहा है। इसमें क्या होता है? मैंने एक्रोपिटल मैनर, आप देख रहे हो कि जो ओल्ड फ्लावर है वो नीचे है और जो यंग फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? टॉप पे हो रहा है। मींस फ्रॉम बेस टू एपेक्स, ओके, मींस नीचे से ऊपर की तरफ फ्लावर का जब अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। मींस ओल्ड फ्लावर बेस पर होगा और जितने भी न्यू फ्लावर अराइज होंगे वो कहाँ पर होंगे? टॉप पे होंगे या एपेक्स पे होंगे। इज इट क्लियर? ओल्ड फ्लावर
नीचे, और जो यंग फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कहाँ पर है, एपेक्स पे है। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। एंड सेकेंड वन इज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, द फ्लावर्स आर बॉर्न इन अ बेसिपिटल ऑर्डर। सेकेंड, अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या शो कर रहा है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस शो कर रहा है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में एक बात मैंने लिखा है यहाँ पर कि ये बेसिपिटल ऑर्डर में होता है, मीन्स अगर एक ये फ्लावर है तो जो ये क्या करेगा, ये फ्लावर टर्मिनेट कर जाएगा, उसके बाद लेटरली क्या करेंगे, यंग फ्लावर्स को ये प्रोड्यूस करेंगे। मीन्स जो ओल्ड फ्लावर है ये कहाँ पे होगा, टॉप पे होगा, और जो यंग फ्लावर्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे, वो नीचे की तरफ, मीन्स ओल्ड फ्लावर से जस्ट नीचे ये फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह का अरेंजमेंट फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सिस पे क्या कहलाता है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को डायग्राम के थ्रू समझाया है। तो चलिए इसके बीच डिफरेंस को भी देख लेते हैं कि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन रेसिमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इन केस ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, वाइल इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ओके, मैंने आपसे बताया था कि जो ओल्ड फ्लावर होगा वो बेस पर होगा और जो यंग फ्लावर प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ होंगे, टॉप पे होंगे, इसलिए इनका ग्रोथ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस जो होता है रेसिमोज के केस में अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है, वाइल इन केस ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस क्योंकि जो हमारा ओल्ड फ्लावर है वो टॉप पे है तो अब वो क्या कर रहा है, वो हाइट को, वो फ्लावर की लेंथ को या फ्लावर के जो अटैचमेंट है फ्लावर, वो टॉप पे अरेंज होने की वजह से अब जितने भी फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, बेसिपिटल मैनर में अरेंज होंगे, इसलिए ये लिमिटेड ग्रोथ शो करता है। फ्लावर्स अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में मैंने कहा था कि एक्रोपिटल सक्सेशन, वही बात कि जो यंग, जो आपका ओल्ड फ्लावर है वो बेस पर और जो आपके जो यंग फ्लावर हैं वो टॉप पे होंगे, तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। वाइल इन केस ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स अरेंज्ड इन अ बेसिपिटल सक्सेशन। बेसिपिटल सक्सेशन मीन्स जो ओल्ड फ्लावर है टॉप पर और जितने भी यंग फ्लावर्स हैं वो कहाँ होंगे, जस्ट उससे बिलो अटैच्ड होंगे या अरेंज्ड होंगे। ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज सेंट्रिपिटल। इन केस ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज सेंट्रिपिटल, वाइल इन केस ऑफ साइमोज ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज सेंट्रीफ्यूगल। लास्ट डिफरेंस इज यूजुअली द ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। जो ओल्ड फ्लावर होता है वो कहाँ पर अरेंज होता है, वो प्लांट के जो इन्फ्लोरेसेंस है वहाँ पे बेस पर अटैच होता है, जबकि जो यंग फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो कहाँ अटैच होते हैं, वो टॉप पे होते हैं। इन केस ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस यूजुअली द ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टॉप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। जो ओल्डेस्ट फ्लावर होता है वो कहाँ अरेंज होता है, टॉप पे अरेंज होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने रेसिमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के बीच के डिफरेंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।